नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। सिंगरौली से शुरू हुई भारत जोड़ो पद यात्रा सीधी जिले से होते हुए रीवा पहुंची, जहां रीवा के कांग्रेसियों ने पूरे जोश के साथ यात्रा का स्वागत किया और राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथों में लेते हुए रीवा में यात्रा की शुरुआत की। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में यह यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा की जिला समन्वयक कविता पांडे ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसी तारतम्य उप भारत जोड़ो यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में विंध्य प्रदेश में भी निकाली जा रही है, जो सिंगरौली से होकर सीधी और सीधी से होकर आज रीवा पहुंची। रीवा के गुड़ सोलर प्लांट के पास यात्रा का स्वागत किया गया। सीधी यात्रा समन्वयक ने रीवा में यात्रा समन्वयक कविता पांडे को राष्ट्र ध्वज सौंपा, जिसके बाद रीवा के गुड़ से यात्रा प्रारंभ हुई। इस दौरान सभा व गांधी चौपाल के कार्यक्रम होंगे व 10 नवंबर को यह यात्रा रीवा नगर में प्रवेश कर सतना जिले की सीमा पहुंचेगी, जहां सतना जिले के कांग्रेस जन यात्रा का भव्य स्वागत कर भारतीय संविधान तथा तिरंगा ध्वज प्राप्त कर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बहन जी को सौंपा है रीवा जिले को और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के ज्ञान सिंह ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है संविधान सौंपा है। इस जिले के संविधान की रक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी संविधान को तोड़ने मरोड़ने में लगी है। संविधान की रक्षा के लिए हम कांग्रेस जन संविधान रीवा जिले को सौंपते हैं। धन्यवाद। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। हमारे नेता राजीव गांधी जी 3500 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में 20 नवंबर को यात्रा प्रवेश कर रही है। उप यात्रा माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में निकल रही है। सिंगरौली से 3 तारीख को निकली हुई उप यात्रा सीधी होते हुए रीवा जिले की सोलर पावर प्लांट के सामने आ गई है और हमने भारत का संविधान और झंडा अपने हाथ में थाम कर हम सब चल चुके हैं और इसका मूल उद्देश्य है नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, महंगाई से नाता तोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। और रीवा जिले में 10,000 जनता सड़क पर उतरी हुई है और राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।